एक दिन की बात है, हमारे घर पर बहुत सारे गेस्ट आ गए और हमारे सारे सोफाज फुल हो चुके थे। तो मेरे पापा ने मेरे को कहा कि जाओ बेटा चेयर जाके ले आओ। तब मैं चेयर लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर दो चेयर्स रखी हुई थी, एक चेयर जो प्लास्टिक की बनी हुई थी और एक चेयर जो आयरन की बनी हुई थी। जो आयरन की बनी हुई चेयर थी उस पर कुछ ऑरेंजिश इस टाइप की चीज़ लगी हुई थी, लेकिन जो प्लास्टिक की चेयर थी वो वैसी की वैसी ही थी। तो जब मैं उन चेयर्स को लेकर पहुंचा ड्राइंग रूम के अंदर, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये जो आयरन की चेयर है इस पर ये ऑरेंजिश चीज़ क्या है, और ये जो प्लास्टिक की चेयर है इस पर ये क्यों नहीं लगी हुई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो ऑरेंजिश चीज़ लगी हुई है इस आयरन की चेयर पर, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया, लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि ये प्लास्टिक पे क्यों नहीं लगती। तो उन्होंने बोला प्लास्टिक पे इसलिए नहीं लगती क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन मेटल। तो अब हम लोग इस वीडियो के अंदर और इस चैप्टर के अंदर यही डिफ्रेंसिएशन देखने वाले हैं कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते कैसे हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बचपन से ही जानते हैं कुछ मटेरियल्स के नाम, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, बचपन से ही हम लोग इनके नाम जानते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट / मटेरियल्स के नाम लिख के दिए गए हैं, जो कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है कि उनका अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है या डल है। और फिर नेक्स्ट आपको कॉलम में दिख जाएगा कि लिखा हुआ है हार्डनेस, उनकी हार्डनेस के बारे में पूछा गया है, कितने हार्ड हैं, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, दो ही दे रखे हैं इसमें ऑप्शन आपके पास। तो इसको फिलअप कर सकते हो आप आसपास की चीज़ों से और देख के लिख सकते हो। अब बेसिकली जो भी हमारे आसपास के मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो मेटेलिक होते हैं या फिर वो नॉन मेटेलिक होते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, फिज़िकल मतलब कि हम लोग जो देखकर बता सकते हैं, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो लस्ट्रस होते हैं, वो चमकने वाले होते हैं। और दूसरी होती है हार्डनेस, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई हमारे मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, अ शवल, एन एक्स? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू बीट अ वुडलॉक? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, जिसको हम लोग शायद आप लोग जानते होंगे, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, बेसिकली आपका जो कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी मेटल हो गया, उसको बीट कर करके उसकी शेप चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तवा ले लिया, या फिर कोई भी मेटल की चीज़ ले ली जैसे ग्लास ले लिया, तो उनकी शेप चेंज करते हैं वो लोग, शेप को मोल्ड में लाते हैं एक के अंदर। लेकिन जब हम लोग आयरन की जगह अगर हम लोग वुड को ले लें, वुड को लेके हम लोग बीट करना स्टार्ट करें और उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप वुड को मारोगे या उसको बीट करके उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वुड टूट जाएगा और पूरे में उसके पीसेस फैल जाएंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है कि हमें एक छोटी सी आयरन ले लेनी है, एक कोल का पीस लेना है, कोल मतलब कोयला, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर लेनी है, एंड अ पेंसिल लेड, पेंसिल की लेड लेनी है जो आगे का पोर्शन होता है। बीट द आयरन नेल विद द हैमर, हैमर के साथ आपको बीट करना आयरन नेल को, बट टेक केयर दैट यू डोंट हिट योर, मतलब अपना हाथ ना हिट कर लो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ट्राई टू हिट हार्ड, अच्छे से उसे हिट करना है और हिट हार्ड करना है उसको। ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर को भी हिट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। अब यही सेम जो चीज़ है वो आपको कोल के पीस पे करनी है और एक पेंसिल की लेड पे करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उन्हें रिकॉर्ड करना है। आयरन जो नेल है वो ऑब्वियसली शेप चेंज होगी लेकिन वो ब्रोक डाउन नहीं होगी, और जो हमारा कोल के पीसेस हो गए वो भी कोल के पीसेस हो जाएंगे ब्रेक इन टू पीसेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम वायर हमारी ब्रेक इन टू पीसेस नहीं होगी, वो फ्लैट हो जाएगी। और ऐसे ही जो हमारी पेंसिल की लेड है वो भी ब्रेक इन टू पीसीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया गया, यू सॉ द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। इफ दे वर बीटन हार्ड,
These could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must have also be familiar with aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. जो property एक metals के पास होती है जिससे वो thin sheets के अंदर उनकी shape change हो सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग malleability. अब आपने thin sheet, जैसे कि आप जब कोई भी sweet खाते होगे उसके ऊपर आपने देखा होगा, इंडिया में उसे बोलते हैं चांदी, चांदी की वर्क लगा दी है, चांदी की वर्क लगा दी है, तो लड्डूज वगैरह के ऊपर होता है वो, हो गया बेसिकली. और एक हमारा थिन शीट का एक और एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम फॉइल. दिस इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. एज यू हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. कैन वी कॉल दिस एज मेटल्स. जो कोल हो गया और हमारी पेंसिल हो गई, पेंसिल की लेड हो गई, उनकी शेप चेंज नहीं होती इस तरीके से. तो इस तरीके से वो अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे तो क्या हम लोग उन्हें मेटल्स बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते उन्हें मेटल. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल. कोई ऐसा मेटेलिक पैन को आप उठा सकते हो या फिर छू सकते हो जिसके पीछे क्या हो, प्लास्टिक का ना ही कुछ लगा हो ना ही कुछ वुड का लगा हो. Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. देखो क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि एक जो पैन होता है उसके पीछे देखा होगा कुछ ना कुछ प्लास्टिक का लगा हुआ होता है. जैसे तवा ले लिया जिसपे बेसिकली रोटी बनती है, तो उसके पीछे देखा होगा या तो कुछ प्लास्टिक का लगा होता है या फिर वुड का. अगर वो नहीं लगा होगा, अगर डायरेक्टली हम लोग उसको टच करने की कोशिश करेंगे, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. तो जैसे ही आप उनको टच करोगे आपका हाथ जल जाएगा. ऐसे ही सेम स्क्रू ड्राइवर्स के अंदर होता है. मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट होते हैं, तो इस वजह से स्क्रू ड्राइवर्स के पीछे क्या लगाया होता है, प्लास्टिक का लगाया होता है. जब इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर को तो उनको करंट ना लग जाए, इस वजह से उसकी बैक की कवरिंग प्लास्टिक में होती है. तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया गया है कि आपको एक बैटरी ले लेनी है, एक लाइट बल्ब ले लेना है और कनेक्शन के लिए वायर्स ले लेनी है. अब जो ये जो वायर्स है इनके बीच में हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को रखना है. बैटरी और जो बल्ब के बीच का कनेक्शन है उसके बीच के एक वायर को कट करके हमें डिफरेंट टाइप के उसके बीच में मटेरियल्स रखने हैं और ये चेक करना है कि किससे ईजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और बल्ब किस केस में ग्लो करता है. जैसे हमने क्या रख दिया, एक एल्यूमिनियम फॉइल को रख दिया, आयरन की नेल को रख दिया, या फिर हमने एक वुड के पीस को रख के देख लिया बीच में. तो किस केसेस में जलती है जलता है बल्ब और किस केसेस में नहीं जलता, तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कौन नहीं है. अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम लोग कहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूजेज. हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? क्या तुमने कभी कोल की वायर देखी है? नहीं, कभी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी वायर के अंदर चेंज होने वाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट स्लैश प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पीस ऑफ कोल ले लिया है, कोयले का पीस ले लिया है, और हमने आयरन की शीट ले लिया है या फिर एक प्लेट ले लिया है और उन दोनों को एक साथ गिराया है, तो आपको आवाज़ से भी डिफरेंस पता चल जाएगा. जो मेटल का कॉइन होगा या प्लेट होगी वो आवाज़ करेगी, लेकिन जो कोल का पीस होगा वो आवाज़ नहीं करेगा. तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है. और क्या चीज़ है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव रीजन? क्या तुमने कभी वुडन बेल्स देखी है टेम्पल्स के अंदर? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड.
जब कभी भी हम किसी भी मेटल की चीज़ को छूते हैं या बजाते हैं तो वो एक तरीके से बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से हम जो देखते हैं टेंपल्स के अंदर कभी भी वुड की बेल्स नहीं होती, क्योंकि वुड को आप कितना भी तेज़ बजाओगे उतनी तेज़ वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना तेज कोई भी मेटल करता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल्स, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? तुम बता सकते हो दो बॉक्सेस हैं, एक वुड का है और एक मेटल का है। सबसे पहला तो डिफरेंस ऐसे ही बता दोगे तुम देख के कि शाइनी है या नहीं है, फिर उसको जब तुम बजा के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम उसको टच करोगे तो। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनरस। मेटल्स रिंगिंग साउंड एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, सोनरस। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। कोई भी मटीरियल जो कि मेटल नहीं होगा वो सोनरस नहीं होता। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटीरियल्स आर हार्ड, सम कुछ मटीरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटीरियल विच जनरली पोजेसिस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। जो मटेरियल ज़्यादातर इनमें से प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एसेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। जो सल्फर होता है और कोल होता है, जो हमारा कोयला हो गया, वो क्या होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, डल होता है अपीयरेंस के अंदर, मतलब इतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता, तो इस वजह से वो नॉन मेटल के अंदर आता है एक तरीके से। दे ब्रेक डाउन इंटू पाउडर मास ऑन टैपिंग विद हैमर। अगर तुम उन्हें हैमर से बजाने की कोशिश करोगे या मारने की कोशिश करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे। दे आर नॉट सोनरस, सोनरस नहीं होते, आवाज़ कोई भी प्रोड्यूस नहीं करते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। इन वाले मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये सब क्या हो गए, एक तरीके के एग्जाम्पल हो गए नॉन मेटल्स के। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब यहाँ पर एक आपको एक्सेप्शन दी गई है, इसे हमेशा याद रखना, आपके बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ से भी कट करा जा सकता है, और मरकरी सिर्फ एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर भी। ये तीन आपको एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, इन्हें अच्छे से याद रखना है। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और मरकरी क्या होता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल्स की बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अब पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज़ होती है। जब भी कोई भी हमारा मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको बोल देते हैं हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो हमारी आयरन होती है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ और रस्ट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर एक हम लोग एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी फॉर बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। अब जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक्टिविटी है एयर के अंदर, उसको हम लोग दोबारा परफॉर्म करने वाले हैं। यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है आयरन और मैग्नीशियम का क्या रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन Fe+O2 प्लस वाटर जो कि H2O है, तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं देखता हूँ किसने सही लिखा है आंसर। मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन कर रखा है O2, तो Mg+O2 क्या होगा आपको बताना है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का आंसर। देखते हैं कौन सही आंसर लिखता है। यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 के अंदर दिया गया है, लेट अस
check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen or water. जैसे मैंने बताया कि जो हमारे एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर वाटर भी है, तो वो जब रिएक्ट करता है आयरन के साथ तब हमारी क्या होती है, रस्ट प्रोड्यूस होती है. अब वो जो रस्ट आपके घर में बहुत जगह कलेक्टेड होगी, बहुत सारे आयरन के आइटम्स के अंदर, उन्हें आपको एक स्पून के अंदर कलेक्ट करना है. कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर. उसको पानी के अंदर आपको डिजॉल्व करना है. यू विल फाइंड दैट द रस्ट डस्ट रिमेन रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. अब देखो क्या करा है, यहाँ पर रस्ट को लिया है, पानी के अंदर डाला है, उसको अच्छे से शेक कर लिया है इन लोगों ने. तो ये देखा है इन्होंने, जो फिर जो उससे थोड़ा सा वाटर निकाला है और उसको लिटमस पेपर से चेक करा है, ये देखने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो वो क्या होगा ये अब हम लोग देख लेते हैं. तो डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड. जो कॉपर होती है क्या वो भी रस्टेड होती है. आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स. जो कॉपर की चीजें होती हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का इसने कुछ लगा हुआ देखा है. When a copper vessel is exposed to moisture, जो moisture के अंदर expose करी जाती है copper vessel for long time, it acquires a dull green coating. अब iron के case में क्या था, जो rust थी उसका different type का color था, लेकिन इसमें क्या होता है, green color की coating होती है copper के अंदर. The green material is a mixture of copper hydroxide, CuOH2 and copper carbonate, CuCO2. The following is the reaction. अभी आपको reaction दिखाया गया है. Moisture को H2O plus carbon dioxide CO2 और plus O2. ये थी हमारी क्या, moisture. और 2Cu क्या है हमारी, copper. तो इसको हम लोगों ने जब कराया है further reaction, तो हमें ये वाले elements मिले हैं, जैसे CuCO3 और CuOH2. Now recall the activity of burning magnesium ribbon. अब तुम याद कर सकते हो magnesium ribbon वाली activity. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic slash basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? जो ये जो चीज़ है, क्या solution acidic है या basic है, ये तुम कैसे पता करोगे? You must have observed that the red litmus paper turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. जब red litmus paper किसके अंदर change हो रहा है, blue. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो क्या है, basic in nature है. In general, metallic oxide are basic in nature. Generally जो metallic oxides होते हैं वो क्या होते हैं, basic होते हैं nature के अंदर. Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. अभी तक तो हमने metals का देखा, अब non-metals का देखते हैं. उससे पहले मैं students को एक चीज़ remind करना चाहूँगा कि आप लोग video देख लेते हैं लेकिन like नहीं करते और ना ही channel को subscribe करते हैं. Like और subscribe करना ना भूलें. Activity 4.1 to be demonstrated by teacher in the class. Take a small amount of powder sulfur in a spoon and heat it. उसको क्या करना है, आपको powdered sulfur को heat करना है. If स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर स्पून अवेलेबल नहीं है, यू मे टेक अ मेटेलिक कैप. आप मेटेलिक कैप ले सकते हैं ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट, और उसके आसपास मेटेलिक वायर बांध दीजिए. गिव इट द शेप शोन. यहाँ पर आपको शेप दिखा रखी है, ये देख लीजिए, इस टाइप की आपको उसकी शेप बना लेनी है. एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इन टू अ गैस जार. जैसे ही सल्फर बर्न करना स्टार्ट कर दे, उसे गैस जार के अंदर फटाफट हम लोगों को क्या करना है, डाल देना है. कवर दैट टम्बलर विद अ लिड टू एश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. एड अ फ्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड. जिसके अंदर हमारा सल्फर था उसको फटाफट हम लोगों को क्या करना है, कवर कर देना है ऊपर से. लिड से कवर करने के बाद हमें उसके अंदर थोड़े से वाटर के ड्रॉपलेट्स डालने हैं और फिर दोबारा उसे फटाफट क्लोज कर देना है. अब क्या करना है, हमें शेक द टम्बलर वेल, शेक करना है उसको एंड चेक द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होगा उसको चेक करना है रेड या ब्लू लिटमस पेपर से. आगे आप लोगों को समझ में, तो यहाँ पर पता चल जाएगा बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर
और यहाँ पर जब आप टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन को विद लिटमस पेपर तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक। यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरियस एसिड इज प्रोड्यूस। तो सल्फ्यूरियस एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है जब इसके अंदर हम लोगों ने वाटर ऐड करा था। तो द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। अब ये रिएक्शन दिखाया है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O से क्या फॉर्म हुआ है हमारा, सल्फ्यूरियस एसिड, जिसको क्या बोलते हैं H2SO3। द सल्फ्यूरियस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर रहा है वो चेंज। मतलब कि जो भी चीज़ फॉर्म हुई है वो क्या थी, वो एसिडिक थी नेचर के अंदर, और वो चीज़ थी क्या, वो थी ऑक्साइड। तो जो भी ऑक्साइड फॉर्म होता है नॉन मेटल्स का वो जनरली हमारा एसिडिक होता है नेचर के अंदर। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं, मेटल्स लिखने हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट है, नेम ऑफ द एसिड और नॉन मेटल। यहाँ पर अब है रिएक्शन विद वाटर। अब हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया, अब हम वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब सोडियम को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो बहुत डेंजरसली, बहुत ही पावरफुली क्या करता है, अपना रिएक्शन दिखाता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। इस वजह से उसको किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर। तो याद रखना हमेशा, सोडियम एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाता है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ अ वीट ग्राम। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टेक 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, या तो उसको वाटर से भर लेना है। नाउ केयरफुली कट अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, छोटा सा पीस काटना है सोडियम मेटल का। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को यूज़ करके उसे ड्राई करने दें। रैप इट इन अ पीस ऑफ कॉटन, कॉटन के अंदर उसको लगा देना है। एंड पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इन टू द बीकर, उस वाले बीकर के अंदर जाना है जिसके अंदर हम लोगों ने पानी डाला हुआ था। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम द बीकर, मतलब थोड़ा दूर रहना है आपको बीकर से। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन होना बंद हो जाए तब थोड़ा थोड़ा आपको टच करना है बीकर को। वॉट डू यू फील, हैज द बीकर बिकम हॉट, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब ये रिएक्शन होने के बाद आपको इसको चेक करना है कि जो रिएक्शन था वो एसिडिक हुआ है या फिर बेसिक हुआ है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को करने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो हमारा सोडियम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली, बहुत ही पावरफुली, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और सारे जितने भी और भी कोई मेटल्स हैं वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हमने आयरन लिया था, आयरन ऐसे रिएक्ट नहीं करता। आयरन धीरे धीरे करके, आयरन की रस्टिंग होती है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्गली रिएक्ट वो नहीं करता। जो भी नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट ज़्यादातर पानी के साथ नहीं करते इस वजह से, लेकिन कुछ जो होते हैं उनमें से वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, उनको क्या करते हैं हम लोग वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली हमारे वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते लेकिन एयर के साथ रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, इसका एक एग्जाम्पल आपको फॉस्फोरस बताया गया। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर उसे ओपन एयर में रख दिया तो वो फायर कैच कर लेता है। इस वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं कि वो एटमोसफेयर के अंदर आए ना। कैसा होता है रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप
देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। कितनी? हमें अप्रोक्सीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, 6 टेस्ट ट्यूब्स लेने के बाद हमें क्या करना है, उनको लेबल कर देना है A, B, C, D, E, F, और उनके अंदर हमें ऐड करना है मैग्नीशियम, ए वाली के अंदर, बी वाली के अंदर एल्यूमिनियम, सी वाले के अंदर आयरन, डी वाली के अंदर कॉपर, ई वाली के अंदर चारकोल और एफ वाली के अंदर सल्फर। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे ऐड करनी है, और इसके आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे मैग्नीशियम का रिबर, एल्यूमिनियम की फॉइल एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड कर देना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इन सब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, हीट अप करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन को। इसके बाद हम लोग सारी ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सेम सब्सटेंस लेने हैं, 5 हमें टेस्ट, 6 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उनके अंदर A, B, C, D, E, F करके हमें लेबल कर देना है और सेम सब्सटेंस यूज़ करने हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है, 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन नोट करना स्टार्ट करते हैं। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। और जब हम ये रिएक्शन हो रहा होता है जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके पास में जब हम कोई मैच स्टिक लाते हैं तो हम लोगों को पॉप साउंड सुनने को मिलती है, जैसे पटपट की आवाज़ सुनने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कॉपर की। कॉपर रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इवन जब उसको हीट भी कर देते हैं तब भी नहीं करता और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं करता, लेकिन जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है तब वो रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद बेसिस पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी 4.7 के अंदर ये बोला गया है कि हमें प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 पैलेट्स लेने हैं, छोटे छोटे पीसेस लेने हैं पैलेट्स जो हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और इसको किससे हैंडल करना है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं उन्हें किस चीज़ से उठाना है, हमें प्लास्टिक के स्पेक्यूला से। तो स्पेक्यूला से आपको उठा के उसके अंदर डालना है, लेकिन वो प्लास्टिक का होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अब आप लोग मेरे को बताने वाले हो कि प्लास्टिक का स्पेक्यूला क्यों यूज़ करा गया, आयरन का क्यों नहीं यूज़ करा गया। जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट मैं पिन करने वाला हूँ और हाईलाइट करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करा है, हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया है और इसके पास हमने क्या करा है, बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लेकर आए हैं। अब इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है केयरफुली। यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। पॉप साउंड आती है एक, ठीक है, और वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज़ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक फटाफट एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करा है, हमने 5 बीकर लिए हैं A, B, C, D, E और उनके अंदर 50 ml वाटर डाल दिया है, ठीक है। अब टीस्पून फुल ऑफ हमें सब्सटेंस डालने हैं जो जो हमें बताए गए हैं। टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके साथ क्या डालना है, जिंक ग्रेन्यूल्स। फिर नेक्स्ट वाले में हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट और आयरन नील। नेक्स्ट वाले के अंदर हमें जिंक सल्फेट, उसके अंदर कॉपर टर्निंग्स, आयरन सल्फेट के अंदर हमें कॉपर टर्निंग्स और जिंक सल्फेट के अंदर हमें आयरन नील। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना स्टार्ट कर देते हैं कि जब हमने कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन करवाया तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक नया टाइप का सब्सटेंस फॉर्म हो गया और उनका रिएक्शन हुआ है।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ZnSO4। कॉपर सल्फेट और आयरन नील जो Fe है वो भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो है FeSO4। यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स का कोई भी रिएक्शन नहीं है, ना ही आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स का कोई रिएक्शन है और ना ही जिंक सल्फेट और आयरन नील का कोई रिएक्शन है। तो यहाँ पर जीरो रिएक्शन हमें देखने को मिला है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमने देख ही ली, तो आपको उस बीकर को छेड़ना नहीं है कुछ टाइम तक। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस स्पीकर, हमने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करे वेरियस स्पीकर्स के अंदर। यू हैव रेड द वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा पहले भी। इन बीकर ए जिंक जो था उसने रिप्लेस करा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को उसने क्या करा, रिप्लेस करा। दिस इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन बताया गया है कि क्या हुआ है। कॉपर सल्फेट जो हमारा CuSO4 था और इसके अंदर हमने जब जिंक को ऐड करा, कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू था स्टार्टिंग में, लेकिन क्या हुआ जब रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट जो था वो बिल्कुल कलरलेस था और जो कुछ डिपॉजिट हो गया था हमारा कॉपर नीचे जाकर रेड रेड कलर में, वो आपको बीकर के अंदर दिख जाएगा एक्टिविटी के अंदर। यू कैन राउंड द राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरीके से हम लोग बीकर बी के भी रिएक्शन को लिख सकते हैं जैसे आपने ये वाला रिएक्शन लिखा है। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देर इज नो चेंज इन द बीकर सी डी ई। सी डी ई के अंदर कोई भी चेंज क्यों नहीं हुआ। देर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। बीकर सी के अंदर भी हो सकता था कि जिंक डिस्प्लेस कर देता कॉपर को एंड बाय आयरन इन बीकर ई और आयरन कर देता डिस्प्लेस, और सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय बीकर बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। बीकर डी के अंदर आयरन डिस्प्लेस कर सकता था कॉपर को। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो copper है वो replace नहीं कर पाता है zinc को sulfate से, zinc sulfate से उसको। But why? ऐसा क्यों होता है? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc? Copper को zinc क्यों नहीं replace कर पा रहा है? Remember that science is not आर्बिट्री, साइंस आर्बिट्री नहीं है, इट फॉलोज डिफाइनेट रूल्स। साइंस के प्रॉपर रूल्स होते हैं और बेस्ड होती है फैक्ट के ऊपर। एंड द रूल्स हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ हटा सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है अ मोर रिएक्टिव मेटल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। इस तरीके से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो ज़्यादा पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट है वो उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। तो अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है, आयरन है या फिर कॉपर है। तो ये तो बड़ी आसानी से आप लोग बता दोगे, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ मेटल हम लोग देख लेते हैं और नॉन मेटल्स के, बिल्कुल लास्ट पार्ट आ गया इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं एक बारी फटाफट। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। मेटल्स को क्यों यूज करा जाता है मशीनरी में, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एसेट्रा। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। तो यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के भी यूजेस बताए गए हैं। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल्स क्या है, एक तरीके से एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हम ऑल लिविंग थिंग जो है हम लोग ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं। इसलिए नॉन मेटल्स आर ऑल्सो एसेंशियल। नॉन मेटल्स यूज़ करे जाते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, जिससे जो एनहेंस हो सके प्लांट की ग्रोथ।
नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल्स को वाटर प्यूरिफाई पानी को साफ करने के लिए भी यूज करा जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक हम लोगों के लगाया जाता है जब चोट लग जाती है तो उसके अंदर भी यूज करे जाते हैं नॉन मेटल्स जो होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स जो पटाखे वटाखे होते हैं इनके अंदर भी नॉन मेटल्स ही भरे हुए होते हैं। यू मे ऐड सम मोर यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तुम भी ऐड कर सकते हो, तुम्हें भी पता होगा क्योंकि तुम सब तो हो ही ज्ञानी। तो यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बताया पहेली और भूजो ने, इनकी बात सुनी लेते हैं। आई हियर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट, इन वॉट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। तो यहाँ पर यह भी चीज़ बहुत अच्छी है जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। डॉक्टर्स रिपोर्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। तो यहाँ पर ये लड़का है ये सोच रहा है कि डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि तुम्हारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये सोच रहा है कि आयरन मेरी बॉडी में कहाँ पर जमा हुआ है, क्या मेरे भी सनीपा जी की तरह लोहे के हाथ हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। जो आयरन और डिफरेंट टाइप के मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं ये, तो कंफ्यूज मत होना। सारे मेटल्स सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है, बस यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है, यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।